हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर कौशल जेल में बैठकर भी अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जेल के अंदर से ही कैसे वो अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर कौशल जेल में बैठा बैठा अपने दुश्मनों को अपने शार्प शूटर से निशाना बनवा रहा है। ऐसी एक घटना सामने आई है हमारे बगल के जिले पलवल से, जहां पर बीती 22 मार्च को गैंगस्टर यशवीर को कुछ लोगों ने गोलियों से भून दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने कौशल गैंग के दो शार्प शूटर्स को हिमाचल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों के नाम है मनोज उर्फ मन्नू और राहुल। इन दोनों पर हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसटीएफ ने जानकारी दी है कि जो मनोज उर्फ मन्नू है उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। ये दोनों ही शार्प शूटर कौशल गैंग, टेक चंद गैंग और भंबिया ग्रुप पंजाब गैंग के सदस्य हैं। ये दोनों इस तरह की वारदातों को हरियाणा में अंजाम देते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से फरार भी हो जाते हैं। एसटीएफ ने इन दोनों शार्प शूटरों को हिमाचल के बद्दी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इनके गिरफ्तार होने से कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। एसटीएफ ने यह भी जानकारी दी है कि इनके जो बाकी साथी हैं उनको दिल्ली स्पेशल सेल ने भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स एक साथ काम कर रही थी, जिनमें से ये दो शार्प शूटर एसटीएफ के हाथ लगे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के डीएसपी सुरेंद्र का दावा है कि कौशल जेल के अंदर से बैठे बैठे ही ये हत्याएं करवा रहा है, अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि 22 मार्च को इन्होंने पलवल में जिस गैंगस्टर यशवीर को गोलियों से भूना उसको भी कौशल के कहने पर ही इन दोनों ने मौत के घाट उतारा था। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार गैंगस्टर्स जब जेल में बंद हैं तो वो कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं। बेसिकली एसटीएफ जो है मोस्ट वांटेड पे काम करती रहती है, हमारा काम मोस्ट वांटेड पे काम करने का, तो इसमें कौशल गैंग और टेकचंद और भंबिया ग्रुप है पंजाब का, उसके शार्प शूटर हैं लड़के ये, तो इनको हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे थे। इसमें दो लड़के, एक मनोज नाम है और दूसरा है राहुल आमरू का पलवल के, इन दो लड़कों को हमने अरेस्ट किया है। कल शाम को हिमाचल प्रदेश में बद्दी है, वहाँ से इनको हमने अरेस्ट किया है कल। ये जो लड़के हैं इनके ऊपर, ये बेसिकली कौशल, टेकचंद और भंबिया ग्रुप का, जैसे मैंने बताया, इनके शार्प शूटर हैं। ये लड़का जो मनोज है इसके ऊपर इनाम है 50,000 का, इसके ऊपर इनाम है, और ये 2020 में नोएडा में एक डबल मर्डर किया था, तब से ये फरार है लड़का। इसके ऊपर हत्या के 307 के और फिरौती वगैरह के इसके ऊपर मुकदमे हैं। दूसरा जो लड़का है राहुल आमरू, उसके ऊपर अभी रिसेंटली जो 2021 में एक मर्डर का मुकदमा हुआ था सदर पलवल का, उसमें ये वांटेड है। और दूसरा जो है 2022 में अभी मार्च में, वो भी सदर पलवल का ये मुकदमा था, उसमें हत्या में दोनों मेन एक स्पॉट पे थी। ये बेसिकली टेकचंद और कौशल के कहने पे, भंबिया जो ग्रुप उनके कहने पे मर्डर करते हैं। मर्डर के बाद ये जैसे जो भी इनको ऑपरेट कर रहे हैं वो इनको छिपा देते हैं जगह पे। हम इसमें बेसिकली जैसे ये एक्टिव हैं गुड़गांव एनसीआर के हिसाब से, तो इनके ऊपर काफ़ी समय से काम कर रहे थे, काफ़ी लीड हमारे पास थी। पैरेलली जो है वो स्पेशल सेल दिल्ली भी इन पे काम कर रही थी, तो कुछ एक लड़के जो हैं वो इसी ग्रुप के दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़े हैं। ये दो लड़के जो ये हमारे हमने काबू किए। सर कहाँ से गिरफ्तार किया इन लड़कों? इनको कल शाम को हमने जो बद्दी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से कल रात को इनको अरेस्ट किया। सर कोई हथियार भी लोगों के पास नहीं? मौके पे एक्चुअली हमें कोई हथियार नहीं बरामद हुआ, शायद मोडस ऑपरेंडी इनकी ये रहती है, मर्डर करने के बाद जहाँ हाइड आउट करते हैं वहाँ भी अपने हथियार नहीं रखते साथ में, ये दाएँ बाएँ वो करते हैं। तो अभी हम इनको अरेस्ट करके पलवल पुलिस को दे रहे हैं, तो आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पलवल पुलिस करेगी और वो इनसे सारी चीज़ें बरामद करेंगे। सर पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है, ये जो मर्डर करते थे या जिसका अटैक करते थे क्या फिरौती वगैरह मांगने के लिए करते थे या फिर कोई रंजिश होती थी उसका बदला लेने के लिए? बेसिकली अगर हम इसमें कहें एनसीआर में जैसे ये जो ग्रुप एक्टिव हो रखे हैं, इनका काम दहशत फैलाना, मर्डर रंजिशन मर्डर आपस में गैंगवारी के हिसाब से भी हैं और दूसरा दहशत के हिसाब से, फिर ये फिरौती के हिसाब से भी चलते हैं। बेसिक मर्डर करने का इनका दो ही पर्पज़ हैं, या तो गैंगस्टर हैं आपस में उनका मर्डर हो रहा है, दूसरा जो है वो अपनी दहशत के लिए फिरौती के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। सर कौशल काफ़ी दिनों से जेल में बंद है, क्या कौशल जेल से भी ऑपरेट कर रहे हैं? कौशल जो है वो जेल में है,
अभी पंजाब में है वो, बाकी तिहाड़ में था। जेल से ये लोग जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं, इनको इसमें कोई डाउट नहीं। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किए गए ये दोनों शार्प शूटर एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन अभी ऐसे बहुत से शार्प शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है, और जो गैंगस्टर जेल में बंद हैं, उनके कहने पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।